दोस्तों, मौसम की तरह पल पल बदलती महाराष्ट्र की सियासत में अब कौन सी करवट ये पूरी सियासत लेने वाली है ये कोई नहीं जानता है। अब जब पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है तो ये खेल पलट गया है, क्योंकि ईडी के सामने सब के सब हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। दरअसल पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संजय राउत अपनी मां को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ईडी की ओर से राउत को गिरफ्तार किए जाने से ठीक पहले का है। वहीं एक न्यूज एजेंसी की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में संजय राउत को अपनी मां को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। मां सविता राउत पहले अपने बेटे संजय राउत को टीका लगाती हैं और उनकी आरती भी उतारती हैं। इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक भी हो जाती हैं, राउत उन्हें गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद वो ईडी की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपको बता दें कि राउत के घर से 11,05,000 रुपए नगद जो है वो जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने राउत के घर पर करीब 9 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें 11,05,000 रुपए नगद जब्त कर लिए गए। आपको बता दें कि राउत को दक्षिण मुंबई के ऑफिस में 6 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार आधी रात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें हिरासत में लिया गया। अब आपको बता दें कि आज संजय राउत का जो है मेडिकल होगा, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें राहत मिलेगी या फिर हिरासत में दे दिया जाएगा, न्यायिक हिरासत में या रिमांड पर दिया जाएगा, वो कुछ ही वक्त में तय हो जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा सदस्य जो संजय राउत हैं, उनको मुंबई के एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाना है, जहां ईडी उनकी हिरासत की अपील करेगी। गिरफ्तारी से पहले राउत ने कहा था कि संघीय एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मामला तैयार किया गया है। वरिष्ठ नेता शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई के पात्रा चौल घोटाले में अब जिस तरह से उन्हें हिरासत में लिया गया है, उसमें बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद संजय राउत ने जिस तरह लोगों का अभिवादन किया और बताया कि आज लोगों को पेड़े बांटने चाहिए, क्योंकि आज संजय राउत गिरफ्तार हो गया है। महाराष्ट्र को कमजोर किया जा रहा है, जिस पर तुम लोग पेड़े बांटो, तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया गया, ये पूरा का पूरा मामला तैयार किया गया है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इस बीच राउत के खिलाफ उनके सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर को धमकाने को लेकर भी पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है, यानी एक और अब मुकदमा उन पर दर्ज हो गया है। संजय राउत के खिलाफ मुंबई के वकोला पुलिस थाने में भांडवी की धारा 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल स्वप्ना का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें राउत को कथित तौर पर उन्हें धमकी देते हुए सुनाया गया था। स्वप्ना पाटकर पात्रा चौल जमीन घोटाले में गवाह है। ईडी ने इसी मामले में रविवार को राउत को उनके घर पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया था। इसके बाद राउत के भाई सुनील राउत ने दावा किया था कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ईडी आज राउत को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लेने की मांग कर सकती है। सुनील राउत ने यह भी कहा है कि ईडी संजय राउत को सोमवार को कोर्ट में पेश कर सकती है। भाजपा उनसे डरती है, इसलिए उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों संजय राउत जिस तरीके से उनका कथित ऑडियो वायरल हुआ, उसमें जिस तरह महिला को संपत्ति को लेकर धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, जो कथित तौर पर बताया जा रहा है, इसी पूरे मामले को लेकर अब उन पर एक और केस दर्ज हो गया है, जिसके बाद अब ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे के पूरे ऑडियो में इसमें दुष्कर्म की और जान से मारने की धमकियां जैसी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये धमकी स्वप्ना पाटकर को भी दी गई थी। पाटकर पात्रा जमीन घोटाले में जिस तरह से गवाह बनी हैं, उनको डराने और धमकाने के लिए इस तरह की धमकी का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि वकोला पुलिस में शिकायत की गई थी, उसे धमकी दी गई कि अगर वो ईडी के समक्ष बयान देगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। उधर संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी
दिल्ली जो है शहर में ही अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में कईयों को हिरासत तक में ले लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की मातोश्री पर एक बैठक भी बुला ली है, जिसमें कई अहम चीजों पर कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी शिवसेना पर जो दावा ठोका गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो मामला थमा नहीं है। ऐसे में संजय राउत को गिरफ्तार करना ईडी की तरफ से और अब उनको कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अगर उनकी हिरासत मिल जाती है ईडी को, तो ये पूरा मामला और ज्यादा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जिस तरह से उनके अपनों ने ही धोखा दिया और उसके बाद नई सरकार बन गई और उद्धव ठाकरे पर एक के बाद एक नए नए वार करते गए, ऐसे में उद्धव ठाकरे का एकमात्र जो सहारा बचे हुए थे वो संजय राउत थे। जिस तरह से उन्होंने मुखर होकर पूरे मामले में, जहां जब से सरकार को गिराने की साजिश शुरू हुई थी तब से लेकर आखिर तक वो उनके साथ खड़े थे, और उन्होंने अब भी ये साफ कर दिया है कि मैं ईडी के डर से अपना आत्मसमर्पण नहीं करूंगा बीजेपी के सामने, मैं शिवसेना को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके बीच इस तरह का जो वीडियो उनका वायरल हुआ है, जिससे उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो और ज्यादा भावुक हो गए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर और इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।